सर्कस टाइप का खेला चल रहा है मस्त। तो चलो भाई आखिरी कला आखिरी खेला लेवल यहाँ से माइकिंग हो रहा है। हे गाइस गुड मॉर्निंग, आप सबको स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। अभी सुबह के 8:30 से 9 बजे के बीच में कुछ टाइम होगा। मैं थोड़ी देर पहले जस्ट बाहर से आया हूँ इसीलिए मुझे टाइम का उतना पता नहीं है। आके मैं छत पे आ गया, वेदर काफ़ी मस्त है, सूरज निकला हुआ है और उधर कोड़ा कोड़ा सा वेदर है। सही है, जो भी है जितना भी है सही है। आजकल मतलब 2024 से पहले दिन से नहीं, 3-4 दिन के बाद से मैंने स्टार्ट किया है सुबह सुबह बाहर जाके थोड़ा पैदल चलने का, थोड़ा दौड़ने का, थोड़ा एक्सरसाइज करने का। आज शायद मेरा 5वां या फिर 6ठा दिन है तो मज़ा तो आ रहा है। पहले 2-3 दिन हालत ख़राब हो गया था, इतना ज़्यादा ठंड था, उठा ही नहीं जा रहा था। पहले 2 दिन तो मैंने कैसे भी करके उठा, 3 नंबर दिन जो है वो बहुत वाइटल था, उसमें मैं उठ ही नहीं पा रहा था। लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे करके थोड़ा मोटिवेशन सुना संदीप सर का, फिर मैं उठ गया। और उठने के बाद मैं गया मॉर्निंग वॉक करने और वर्कआउट करने। मॉर्निंग मतलब मॉर्निंग में ही 5:30-6 बजे। पहले दिन तो इतना जल्दी निकला था कि अंधेरा था, लेकिन अभी से मैं निकल रहा हूँ अंधेरा ख़त्म होने के जस्ट बाद, ये 6 बजे से थोड़ी देर पहले और 6:05-10 के अंदर वैसे ही। और 2-3 घंटे 2-2.5 घंटे के बाद आ रहा हूँ। अभी 6 बजे निकला था, आज भी आ रहा हूँ 8:30 बजे, 2.5 घंटे हो गया, 2.5 घंटे। मज़ा तो आ रहा है सुबह उठने में, तो आप लोग भी उठो, सच में मज़ा आता है। पूरा दिन जो है ना वो मस्त चलता है। जब 10 बजे मैं उठता था पूरा दिन इतना थकल जाता था, इतना मतलब टायर्ड लगता था ना, काफ़ी ज़्यादा टायर्ड लगता था। लेकिन अभी क्या है, सुबह उठ रहा हूँ, रात को सो रहा हूँ 11:30-12 बजे, लेकिन उतना ज़्यादा टायर्डनेस है ही नहीं, मज़ा आ रहा है, सच में मज़ा आ रहा है। तो इतना दूर से आया हूँ, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वेचिंग करते हैं और चाय पीते हैं, थोड़ा गर्म वाला चाय चाहिए बिस्किट के साथ। वो भी बेबी को देखो, यहाँ पे बैठे बैठे चानाचूर खा रहा है, चॉकलेट नहीं मिला इसीलिए। अब मैं तो दौड़ने गया था, मैं कहीं बाहर गया था चॉकलेट लाने के लिए, कॉलेज गया था क्या मैं? मैं तो सुबह सुबह दौड़ने गया था। इतना सुबह कौन सा दुकान खुला रहता है बताओ? हाँ, इतना सुबह कौन दुकान खुला रहता है? बाबाईदा। बाबाईदा घर दुकान में नहीं है, मैं गया था बाबाईदा बाजार, गया है बाजार करने। बाद में जाएंगे ठीक है ना, 10 बजे 10 बजे ठीक है। देखो इतना सा मुंह है, इतना बड़ा एक टोपी पहना है इसने, और बैठ के चानाचूर खा रहा है। थोड़ा सा दे, नहीं, नहीं। थोड़ा सा नहीं, लोल कर दिया मेरे साथ। मैं चाय पीता हूँ, उसको छोड़ दे, खाओ खाओ तुम खाओ, मैं नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, खाओ। चल गया गाइस बेबी, अभी आज मैं हूँ, मेरे साथ निकला है, नहीं तो सुबुदा के साथ निकलता है हर दिन, और जा रहा है बाबाई दे के दुकान में। और एक गाना सुन रहे थे हम लोग, बंगाली गाना है, क्या गाना था बेबी? ये अखन गान बनाई से, उनको यही समझ में नहीं आ रहा है गाने में कि क्या बनाया है, गाना क्या बनाया है, लेकिन उसमें डांस हो रहा है, तो अलग ही अलग टाइप का एक गाना बना है, लेकिन मस्त है, ट्रेनिंग में चल रहा है, मुझे तो मज़ा आया सुन के। गाना ऐसा है कि बंधु अमर रोसिया खट्टे रोपड़ घोसिया की अखन गान बनाई से, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि गाना क्या बना है, वही गाना है, मज़ा आया सुन के। चलो बाबा जी के पास में चलते हैं, कुछ सामान लेना है बेबी को भी। क्या लेना है? बिस्किट और चॉकलेट, ऐसा ही ना, चॉकलेट और बिस्किट। और सुपुरा के लिए भी कुछ लेना है ना, ठीक है। आईफोन प्रो मैक्स 15 दे रहा है सबको, और जो नहीं ले रहा है उसको 1-1 लाख रुपए दे रहा है बेबी, उसके पास बहुत पैसा है। गाइस जा रहा हूँ वीडियो ऑफिस, वो 3 महीने पहले जो लेटर मैंने सबमिट किया था ना उसके बारे में कुछ पता नहीं चला, बीच में 2 दिन मैं गया था, उस दिन वो ऑफिसर नहीं थे, तो आज जाके पता करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में मुझे छुट्टी नहीं मिल रही, जिस दिन मुझे छुट्टी मिल रही है उस दिन वीडियो ऑफिस भी छुट्टी है, क्योंकि कॉलेज का और वीडियो ऑफिस का सेम ही है ना, सभी गवर्नमेंट है, शनि रविवार वीडियो ऑफिस भी छुट्टी रहता है और कॉलेज भी। अभी मैं यहाँ पे लक्ष्मी मंदिर के पास से जा रहा हूँ, चलते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि पैदल ही चला जाऊँ, अभी देखते हैं, अगर नहीं जा सके तो उनके सामने से ऑटो ले लेंगे या फिर टोटो ले लेंगे। तो मैं सोच रहा था गाइस कि पैदल ही चला जाऊँ वीडियो ऑफिस तक, लेकिन स्कूल तक आते आते लेट हो गया और मुझे दूसरा भी और काम है, मुझे यहाँ से घर भी वापस जाना है, उसके बाद फिर मुझे एक बार आसनसोल भी जाना है, तो लेट हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा, बाद में ट्रेन नहीं मिलेगा, बीच में नहाना है, बहुत काम करना है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि ऑटो में ही चलते हैं। ऑटो तो नहीं मिलेगा यहाँ पे, टोटो में चलते हैं। जैसे टोटो है किधर? इधर तो है नहीं टोटो, जो भी रोड में टोटो आएगा ना उसमें चढ़ जाएंगे, उसमें जल्दी होगा थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो ऑफिस में कितना टाइम लगेगा वो पता नहीं ना, अगर एग्जैक्ट टाइम पता होता तो मैं पैदल जाने का रिस्क लेता, अभी रिस्क लेके फ़ायदा नहीं है, इधर से ही रहूँगा मैं, क्योंकि टोटो भी इधर से ही आएगा, यहाँ पे रुकेगा नहीं, उस साइड में चलते, यहाँ से टर्न लेता है ना, यहाँ से टर्न लेता सामने जाके दिखे, सीधा चला जाएगा तो दिखेगा नहीं उस साइड से कौन आ रहा है, क्योंकि एक ही आने का और एक ही जाने का रुख। चला आया हूँ किसी की धुन में, किसकी धुन में पता नहीं, लेकिन काम तो है तो यहाँ पे आना पड़ा वीडियो ऑफिस के पास में। अभी अंदर जाने के बाद 1/2 घंटा तो ये पता करने में जाएगा कि कहाँ पे जाना है, कहाँ पे एग्जैक्टली काम करवाना है, मतलब कहाँ पे जाके पूछना है, उसके लिए 1/2 घंटा जाएगा। तो चलते हैं अंदर, चलते हैं देखते हैं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी जगह पे भी मुझे जाना है, कितना जल्दी हो सके
देख लो, पी डी ऑफिस अंदर चलते हैं, सीधा वाला बिल्डिंग, साइड वाला नहीं। तो दिल को सुकून देने वाला खबर मिल गया कि काम हो गया है, अभी बस बैंक में जाना है, एक रिसेंट वाला स्टेटमेंट लेके यहाँ पे देना है और मेरा काम ख़त्म। यहाँ से एक चिट्ठी भेज देगा बैंक में, बाकी काम हो जाएगा। तो बैंक का ही थोड़ा सा इशू था, उसके लिए यहाँ पे आना था, हो गया ऑलमोस्ट काम ख़त्म। अभी इलाहाबाद बैंक में जाना है, इलाहाबाद बैंक में अकाउंट था, वहाँ पर चलते हैं। सामने यहाँ से टोटो मिल जाएगा, जल्दी काम ख़त्म हो जाए बस। इस वाले काम के लिए 2-3 महीने से घूम रहा हूँ, जितना जल्दी ख़त्म होगा उतना बढ़िया। काम हो गया गाइस, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मुझे लगा था कि लगेगा टाइम, लेकिन उतना ज़्यादा टाइम लगा नहीं, ऐसे ही चलेगा। चलो अभी अंडा रोड पहुँचना फिर से वीडियो ऑफिस, फिर वहाँ पे जाके ये सबमिट करना है, उसके बाद वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट मिलेगा, वो आके बैंक में सबमिट करना है। इतना सा ही काम है, अगर वहाँ पे जल्दी हो गया तो बैंक में फिर से जल्दी आ जाऊँगा। अभी शायद टाइम तो मेरे पास घड़ी नहीं, देख नहीं पा रहा हूँ, शायद 12 बजे के आसपास होगा। तो फिर से ऑटो लेते हैं, ऑटो बोल रहा हूँ मैं, टोटो लेते हैं फिर, क्योंकि यहाँ से जाने के लिए एक ही ऑप्शन है, वो है टोटो। ऑटो एक दो ही चलता है, बहुत कम, तो भरोसा करके लाभ नहीं है अभी। हाँ टोटो आ रहा है, चलो। बार हुआ गाइस, टोटल ये सेकंड टाइम चल रहा है, वीडियो ऑफिस से निकल रहा हूँ, फिर से जाना है बैंक में। और वीडियो ऑफिस में भी क्या हालत है, करंट चला जा रहा है, दो बार करंट चला गया, डीजी में काम हो रहा है, बीच में तो डीजी भी बंद हो गया था। चलो सामने से फिर से टोटो लेते हैं, टोटो में ही 4-5 बार बैठ गया हूँ मैं, तो उसके बाद काम ख़त्म करने के बाद मैं पैदल जाने वाला हूँ। अभी बैंक में चलते हैं, बैंक में हो जाएगा, लंच टाइम ना हो जाए, 1 बजे से ज़्यादा टाइम हो गया, पहुँचते लंच टाइम हो गया तो फिर गया, फिर 3 बजे तक रुकना पड़ेगा। चलेगा इस काम का काम, इलाहाबाद बैंक आते ही बस जमा करना पड़ा, बस उतना ज़्यादा लेट नहीं हुआ, 5 मिनट का काम था, जमा करें बाहर निकल, और एक फ़ोटो ले लिया बस, सेफ्टी के लिए, फ्यूचर के लिए, बस ज़रूरत तो है नहीं, बच्चे स्कूल से वापस जा रहे घर, मैं भी चलता हूँ यहाँ से, फ़ोटो लेने का कुछ ज़रूरत नहीं, सामने ही है, जैम लग गया सामने, मैं तो पैदल हूँ, वैसे ही निकल जाऊँगा कहीं से ना कहीं से, बाज़ार में जाना पड़ेगा एक बार, फिर घर चलेंगे। हालत देखो गाइस, ऑलमोस्ट उठ गया है, क्योंकि टाइम हो रहा है 1:30 बजे के आसपास, मुझे घर जाके नहाना भी है, उसके बाद मुझे बस संसोल के लिए निकलना है। बाज़ार पैसे थोड़ा बहुत है मुझे, यहाँ से बस थोड़े फ्रूट्स लेने हैं, बेबी को भी चाहिए आता, उसको पसंद है, और वो ऑरेंज भी लेना है, देखते आगे मिल जाएगा कहीं पर। जो रोड बना है ना बाज़ार का, यही मैं बोल रहा था, बाज़ार का रोड ऐसा ही बनता है। ओ भाई सर्कस टाइप का खेला चल रहा है, मस्त। तो चलो भाई आखिरी कला, आखिरी खेला लेवल, यहाँ से माइकिंग हो रहा है। हाँ। खेला चल रहा है, अभी छत पे गिर गया, कहाँ पे लगा, ये देखो पैर में क्या हुआ है, मुझे नहाना है, अभी तक नहाना नहीं हुआ, इसका खाना हो गया, खाना वाना तो जो है हो गया गाइस, लेकिन मेन असली काम जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला है और सबसे ज्यादा मुसीबत वाली मुश्किल वाली काम है, वो है अभी नहाना बाकी। और अभी ट्रेन तो था एक आसनसोल जाने वाला, लेकिन वो ट्रेन जो है, टाइम देखो पहले, टाइम हो रहा है 2:25, तो अभी जो ट्रेन है, तो ट्रेन तो थोड़ी देर में आ जाएगा, क्योंकि वो दुर्गापुर से क्रॉस कर चुका, तो वो शायद मिलेगा नहीं मुझे, क्योंकि मुझे नहाने भी जाना है, उसके बाद रेडियो पर निकलना है, तो मैं नेक्स्ट ट्रेन में चलता हूँ, ऐसा करता हूँ, 4:30 बजे वाला जो ट्रेन है जिससे कॉलेज से वापस आता हूँ उसी में चलते हैं, तो थोड़ा सा टाइम भी मिल जाएगा मुझे बीच में, थोड़ा सा टाइम पास भी कर लेंगे, और नहाने के बाद थोड़ा सा छत में चलेंगे, छत में बैठ के धूप का मज़ा लेंगे, तो पहले नहाने चलते हैं जल्दी, क्योंकि 2:30 बज रहा है, वैसे भी थोड़ी देर बाद और ज़्यादा ठंड लगेगा। मम्मी का नहाना हो गया, मम्मी यहाँ पे पूजा कर रही है, अभी पूजा करने के लिए मस्त जगह है, ऊपर के तीन जो ताक है उसके अंदर सामान रहता है, नीचे वाले में पूजा करने के लिए, ये देखो छोटा सा मंदिर। फाइनली निकल चुका हूँ गाइस आसनसोल जाने के लिए, लेकिन काफ़ी लेट है अभी, 4:50 टाइम हो रहा है, और जो ट्रेन था ना वो ट्रेन अभी भी दुर्गापुर से 6 किलोमीटर दूर है, मतलब सोच लो 4:30 बजे उसको दुर्गापुर घुसना था, 4:50 में अभी तक दुर्गापुर घुसा नहीं है, अंडाल दिखा रहा है 5:20 में, तब तक तो मैं कैसे भी करके पहुंच जाऊंगा अंडाल स्टेशन। गाइस अंधेरा होने वाला है, मैं भी स्टेशन में पहुंच चुका हूं, लोग सारे बहुत आ रहे हैं, और मालगाड़ी दोनों तरफ मालगाड़ी, तीसरी तरफ भी मालगाड़ी, तो मैं यहाँ से चलता हूँ सीधा आसनसोल, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, फिलहाल आज के लिए ब्लॉग करते हैं, पसंद आएगा तो लाइक करना।